गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज जो फिर हम जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था कल थ्री टेन थीटा टेन फाइव इक्वल टू वन, थ्री टेन थीटा टेन फाइव इक्वल टू वन, then टू cos theta plus phi will be, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? यदि थ्री tan theta tan phi इक्वल टू वन then टू cos theta plus phi की वैल्यू यहाँ के इक्वल होगी। एक हो रहा है कोट थीटा कोट फाइव इक्वल टू थ्री, कोट थ्री टेन थीटा टेन फाइव इक्वल टू वन, एक है कोट थीटा कोट फाइव इक्वल टू थ्री। तो इसकी जो है इसकी वैल्यू निकाले टू कोट थीटा प्लस फाइव, इसकी वैल्यू कहें के इक्वल होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, गिवन है थ्री टेन थीटा, थ्री टेन थीटा टेन फाइव इक्वल टू वन, एक क्या दे रखा कोट थीटा कोट फाइव इक्वल टू थ्री। ये आ गया, अब मैं क्या करता हूँ इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, इसको इससे क्या कर देता हूँ डिवाइड कर दिया। क्या आ गया, कोट थीटा कोट फाइव अपॉन थ्री टेन थीटा टेन फाइव इक्वल टू थ्री अपॉन टू वन। यार कोई क्या देख क्वेश्चन दे रखा है थ्री टेन थीटा टेन फाइव इक्वल टू वन, इसे क्या ले सकता हूँ इसे हल आगे क्या आएगा कोट थीटा कोट फाइव, जो या ये कह दो या ये कह दो एक ही बात है, या तो बीम कह दो या कह दो एक ही बात है। अच्छा ये क्या है टू कोस थीटा, अच्छा एक क्या है टू कोस थीटा कोस प्लस फाइव की वैल्यू में निकालनी है, कोस थीटा प्लस कोस फाइव की वैल्यू में निकालनी है। क्या आ गया ये क्या, तो ये कहते गिवन है थ्री टेन थीटा टेन फाइव इक्वल टू वन कोट थीटा कोट फाइव इक्वल टू थ्री, इसकी वैल्यू निकालनी है फाइंड। इसको इसको इस तरह लिख सकता हूँ इसे जो है ना थ्री टेन थीटा टेन फाइव इक्वल टू थ्री, थ्री टेन थीटा की वैल्यू वन अपॉन कोट थीटा कोट फाइव की वैल्यू अपॉन कोट फाइव इक्वल टू थ्री। क्या गया थ्री इक्वल टू क्या है थ्री इक्वल टू कोट थीटा कोट फाइव या तो इसी तरह से क्या लिख लेता हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ कोट थीटा
कोट फाई इक्वल टू थ्री, ये गिवन है। ये कोट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कोट थीटा अपॉन साइन थीटा कोस फाई अपॉन साइन फाई अपॉन थ्री। इसमें क्या लगा देता हूँ मैं, कंपेंडो एंड डिवेंडो। कंपेंडो एंड डिवेंडो क्या होती है भाई, अगर मान ले यार ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, अगर दो फ्रैक्शन है इसमें क्या करते थे, अगर ये इधर ये करते हैं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, बी ऊपर जोड़ दे बी माइनस कर दे इधर, तो क्या जाएगा ये सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये क्या जाएगा कोस थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई अपॉन कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई इक्वल टू थ्री प्लस वन थ्री माइनस वन। ठीक, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कहेंगे रबर होता है, कोस ए माइनस बी कहेंगे रबर होता है, पाओगे कोस ए माइनस बी दैट इज कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कहेंगे इक्वल होता है कोस ए प्लस बी इक्वल टू थ्री प्लस वन फोर और थ्री माइनस वन टू। तो क्या आ गया, ये क्या आ गया कॉस क्या गया कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन कॉस थीटा प्लस फाई इक्वल टू टू अपॉन वन, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा टू कॉस थीटा माइनस फाई इक्वल टू वन इंटू कॉस थीटा प्लस फाई। देखो ये क्वेश्चन था, या तो ये क्वेश्चन इधर थ्री टेन थीटा टेन फाई और कोट थीटा कोट फाई इक्वल टू थ्री, ये क्वेश्चन था ये। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टू कोट थीटा प्लस फाइव, टू कोट थीटा फाइव प्लस फाइव की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो गिविन है ये कोट थीटा कोट फाई इक्वल टू थ्री, कोस कम कोट थीटा का कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस फाइव अपॉन साइन फाइव निकाल लिया। फिर मैंने फिर क्या निकाला, कंपेंडो एंड डिवेंडो भी बताया था मैंने, ये दो फ्रैक्शन हो जैसे अगर ये ऊपर जोड़ देने हैं इसमें इसमें से फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में इसको माइनस कर दो, न्यूमिनेटर से जो नंबर जोड़ रहे हैं डिनोमिनेटर में ही वो नंबर क्या कर रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ। सिमिलरली दैट इज वी है सी प्लस डी इक्वल टू सी माइनस डी दैट इज कॉल्ड टू द कंपेंडो एंड डिवेंडो, इट इज मीन इट इज प्लस एंड इट इज माइनस, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी कोस ए माइनस बी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया टू कोस थीटा माइनस फाइव इक्वल टू कोस थीटा प्लस फाइव, दैट इज आंसर, ये इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लेट अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई लेट अल्फा बीटा गामा एंगल दैट सेटिस्फाई
बताई थी है, इफ इफ कॉस एक्स प्लस अल्फा प्लस कॉस एक्स प्लस बीटा प्लस कॉस एक्स प्लस गामा इक्वल टू इफ कॉस एक्स प्लस इक्वल टू जीरो फॉर ऑल For all x belongs to R, for all x belongs to R, then find the value, gamma minus delta for all possible, find the value of gamma minus delta. Possible value. Find the possible value of gamma delta minus one. ये दे रखा है cos x alpha plus ये दे रखा है क्योंकि find gamma minus delta की possible value और दे रखी angle यानी कि angle जो है alpha beta gamma है 0 और 2 pi के बीच लाई करते हैं और ये भी गिवन है भाई जैसे अब गिवन है ये क्या दे रखा है कॉस अल्फा गिवन क्या है कॉस एक्स एल प्लस अल्फा प्लस कॉस एक्स प्लस बीटा प्लस कॉस एक्स प्लस गामा इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर कॉस ए प्लस बी क्या आता है कॉस एक्स कॉस अल्फा प्लस माइनस साइन एक्स साइन अल्फा प्लस कॉस एक्स कॉस बीटा माइनस साइन एक्स साइन बीटा प्लस कॉस एक्स कॉस गामा माइनस साइन एक्स साइन गामा इक्वल टू जीरो अब इन सब में से cos x कॉमन ले लो क्या सारे ले लो cos x इसमें से और इसमें से cos x क्या कॉमन ले लो cos x कॉमन ले लो क्या गया cos x कॉमन ले गए क्या आएगा cos alpha plus cos beta plus cos gamma इधर से क्या ले लूं तीनों में से इसमें से और भैया इसमें से और इसमें से इन तीनों में से क्या ले लूँ माइनस साइन एक्स कॉमन ले क्या बचा गया साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू जीरो ये बच गया अब ये फोर लैक्स लोग उसको आ रहा है अब देखो अब क्या होगा ये cos x की वैल्यू तो ये तो जीरो नहीं हो सकती ना ये जीरो तो ये भी जीरो होगा ये भी जीरो होगा जब तो जीरो होगा तो प्रोडक्ट जीरो तो जीरो माइनस जीरो ये जीरो यानी cos अल्फा क्या आएगा cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू जीरो कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा इक्वल टू जीरो अब क्या गया यहाँ से कोस अल्फा क्या गए कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा इक्वल टू जीरो तो कोस अल्फा प्लस गामा माइनस के कोस बीटा सिमिलरली साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू जीरो तो क्या जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन गामा इक्वल टू माइनस बीटा
अब इन्हें दोनों को क्या कर लिया, इन्हें दोनों को स्क्वायर कर लिया, इन दोनों को क्या कर लिया, इन्हें दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग। मान लिया इसका तो फर्स्ट ए क्वेश्चन ले लिया, इसका बी बाई, लेकिन बाई क्वेश्चन यहाँ क्या होगा, बाई बाई क्वेश्चन ए एंड बी, ए एंड बी में क्या करा, इन्हें दोनों क्या कर लिया, स्क्वायर करा और फिर क्या कर लिया, ऐड कर लिया। इसका स्क्वायर फर्स्ट का क्या देगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस टू कोस अल्फा कोस गामा प्लस, इन दोनों का क्या करूँगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस टू साइन अल्फा साइन गामा प्लस टू साइन अल्फा प्लस टू साइन गामा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। इस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इसकी वैल्यू एक, कोस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा इसकी वैल्यू एक आ गई, क्या आ गई, एक प्लस, क्या आ गई, एक प्लस टू कोस अल्फा कोस गामा प्लस टू साइन अल्फा साइन गामा इज इक्वल टू वन, इसकी वैल्यू वन आ गई। अब इनमें से वन से वन प्लस वन, वन प्लस वन टू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वन प्लस वन, ये क्या आ गया, टू दोनों में से कॉमन ले लूँगा, टू दोनों में से कॉमन ले लूँगा, क्या आ गया, कोस अल्फा कोस गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा इक्वल टू माइनस वन, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस के वन। और यहाँ से क्या आ गया, कोस टू कोस ए प्लस कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या आ गया, कोस ए माइनस बी, क्या आ गया, टू कोस क्या आ गया, टू कोस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस वन, और कोस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, और गामा माइनस कोस माइनस वन अपॉन टू किसकी वैल्यू होती है, जीरो और टू पाई के बीच, सारी कितनी वैल्यू होती हैं इसकी, ये होती है टू पाई बाई थ्री और फाइव बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री और फाइव पाई बाई थ्री किसकी वैल्यू होती है, तो गामा माइनस अल्फा इक्वल टू टू पाई बाई थ्री और फाइव पाई बाई थ्री, क्या है, टू पाई बाई थ्री और फाइव पाई बाई थ्री की वैल्यू होती है, ये दो वैल्यू आ गई, क्या है, देखो भाई सवाल ये, इफ अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई द जीरो अल्फा बीटा गामा टू पाई की है, गिवन है कोस एक्स अल्फा प्लस कोस एक्स प्लस बीटा कोस एक्स प्लस गामा इक्वल टू जीरो फॉर एल एक्स बिलोंग्स टू आर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा माइनस डेल्टा, ये आ गया कोस एक्स प्लस अल्फा कोस एक्स प्लस बीटा कोस एक्स प्लस गामा इक्वल टू जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, कोस एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू आ गई, इसी कोस एक्स प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, इसी कोस एक्स प्लस गामा की वैल्यू आ गई इक्वल टू जीरो, इन दोनों में से क्या करा, तीनों में से
कॉस एक्स कॉमन ले लिया, इन तीनों में से क्या ले लिया, साइन एक्स कॉमन ले लिया। अच्छा, दो नंबरों का डिफरेंस जीरो है, या तो ये जीरो, दोनों जीरो होंगे, जीरो की कॉस एक्स और साइन एक्स तो कभी जीरो हो ही सकते, तो ये जीरो होंगे। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, कॉस अल्फा प्लस कॉस गामा इक्वल टू माइनस कॉस बीटा, सिमिलरली इधर से क्या ले लेंगे, साइन अल्फा प्लस साइन गामा इक्वल टू माइनस साइन बीटा, ये दो इक्वेशन हो गई। इन दोनों को क्या कर देंगे, स्क्वायर करके क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। जब स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ मैं इसको, तो इससे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर गामा टू कोस अल्फा कोस गामा, ये आ गया। सिमिलरली साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर गामा टू साइन अल्फा गामा, ये आ गया। ये क्या आ जाएगा, ये कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये आ गया कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वन। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वन। ये हो गया कोस ए प्लस कोस ए कोस ई प्लस साइन ए साइन बी, ये वन, इसकी वन आ गई, इसकी भी वन, ये दोनों वन, थ्री वन, वन वन टू, इधर लगा के आ जाएगा माइनस के वन, और इन दोनों में से टू कॉमन लेके कोस अल्फा कोस गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा, ये बच गया कोस गामा माइनस अल्फा, इसके नीचे टू आ जाएगा, तो कोस गामा माइनस अल्फा माइनस हाफ की वैल्यू कितनी के बीच होती है, टू पाई बाई थ्री, और फाइव पाई बाई थ्री की वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन प्लस टेन वन डिग्री, वन प्लस टेन टू डिग्री, वन प्लस टेन थ्री डिग्री अप टू वन प्लस 1045 डिग्री, फाइन। इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू, इसकी इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, वन प्लस टेन, वन प्लस टेन वन, वन प्लस टेन टू, वन प्लस टेन, इसकी वैल्यू निकालनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। किस तरह निकालते हैं इसकी क्वेश्चन, इसकी वैल्यू, इसे क्या कर लिया था मैंने, वन प्लस टेन एक्स, वन प्लस टेन एक्स, इसे कर दिया गया वन प्लस टेन 45 माइनस एक्स, वन प्लस टेन एक्स, वन प्लस टेन 45 माइनस के एक्स, इस तरह ये इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू भैया, वन प्लस टेन एक्स, ये क्या आ गया, वन प्लस टेन ए माइनस बी, क्या आएगा, टेन 45 माइनस टेन एक्स, वन माइनस टेन 45 tan x, इसकी इसमें ये करके ये जोड़ दूँ, क्या जाएगा, वन माइनस, नहीं, वन माइनस टेन 45 tan x प्लस टेन 45 माइनस टेन x अपॉन
वन माइनस टेन 45 टेन ये आ गया और ये वन प्लस टेन एक्स जूडो ये क्या आ गया, ये वन प्लस टेन एक्स जूडो। तो माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये प्लस, ये क्या आ गया वन प्लस टेन एक्स टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है वन इंटू एक्स टेन एक्स, इसमें क्या आ जाएगा ये वन प्लस टेन 45 की वैल्यू वन इंटू एक्स क्या आएगा टेन एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स वन माइनस टेन एक्स, इस टेन एक्स से टेन एक्स जाएगा, इससे जाएगा वन प्लस वन कितना आ गया ये इसकी वैल्यू टू आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई है वन प्लस वन कितनी आ गई इसकी वैल्यू टू। अच्छा अब देखो अब मैंने क्या करा यहाँ इससे पहले यानी अब मुझे पता लग गया इसकी वन प्लस टेन एक्स और वन प्लस टेन 45 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है टू आ गई। अच्छा अब अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू वन रख देता हूँ, एक्स की वैल्यू कितनी रख देता हूँ वन, फोर एक्स इक्वल टू वन क्या आ जाएगा वन प्लस टेन वन, इधर क्या जाएगा ये वन प्लस टेन 44। अब इस तरीके क्या जाएगा यहां से वन प्लस टेन टू वन प्लस टेन 43, इधर क्या जाएगा वन प्लस टेन थ्री वन प्लस टेन 42 इस तरह एंड सो ऑन। ये इस तरह ही हम करते करते ये आ गया, ठीक है इस तरह ही करते करते ये क्या आ जाएगा 22 में रख के वन प्लस टेन 22 और वन प्लस टेन 20 और इसमें ये भी एक बच जाएगा ये वाला वन प्लस टेन 45। देखो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू टू ही होगी, इसकी वैल्यू टू होगी, इसकी वैल्यू टू होगी, इसकी भी वैल्यू टू होगी, इन सब की वैल्यू क्या होगी टू होगी, यहाँ तक के ये तो आ गई है सारे यहाँ, इससे पहले होगा ना इससे पहले क्या आ गया यहाँ पर देखा जाए वन प्लस टेन 44। अच्छा इसमें एक ही वन प्लस टेन 45 भी है, तो वन प्लस टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है ये है वन प्लस टेन 45, तो वन प्लस वन इक्वल टू कितनी आ गई टू, तो टू हो गया। अच्छा वन प्लस टेन 45 वन प्लस टेन ये कितने जाएंगे, ये हो जाएंगे 22, कितने जाएंगे ये सारे कितने हो जाएंगे 20, कितने जाएंगे 22, ये कितने नंबर हैं यहाँ से यहाँ तक, ये 22 नंबर ये हैं यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर हैं 22 है, एक और इसकी मल्टीप्लाई होगी यानी वन प्लस टेन 45 भी यहाँ आएगा, जब इसकी आपस में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सबकी तो सबकी मल्टीप्लाई करके क्या आ गया ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये देखो इसकी भी क्या आ जाएगा ये आ जाएगा वन प्लस टेन वन डिग्री प्लस वन प्लस डिग्री लगाना भूल जाइए वन प्लस टेन टू वन प्लस टेन थ्री
वन प्लस टेन 45 इक्वल टू 2 की पावर 23। दैट इज वैल्यू इज 10 की पावर 23। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, ये क्या क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है ये कि यदि वन इफ वन प्लस टेन वन टेन टू टेन इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू अब मैंने क्या करा इसमें वन प्लस टेन एक्स प्लस वन प्लस टेन 41 माइनस एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली, निकालना चाहता हूँ ये तो एज इट इज, इसमें आगे वन निकली टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी वन प्लस टेन ए टेन बी, इसका फॉर्मूला लिख लिया मैंने, फिर इसको इससे मल्टीप्लिकेशन ये ऐड कर दिए, टेन 45 की वैल्यू क्या रख दी मैंने वन, टेन 45 की वैल्यू क्या रख दी मैंने तो वन क्या आ गया वन प्लस टेन एक्स प्लस वन माइनस टेन एक्स, इस टेन एक्स से टेन एक्स जाएगा, इस वन प्लस टेन एक्स से वन प्लस टेन एक्स जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई वन और वन कितनी आ गई टू। अब मैं क्या करता हूँ इसमें एक्स इक्वल टू, अब इसमें इस फंक्शन में, इस फंक्शन में, इस फंक्शन में ये जो दिया हुआ ये जो मान रखा, अब मैं x इक्वल टू वन रखा तो क्या आ गया वन प्लस टेन वन टेन 45, यानी वन प्लस टेन 45 ये वाला और ये वाला दोनों आ गए। इसी तरह से यहाँ वन प्लस टेन 43 आएगा इससे यहाँ, और इसके साथ क्या आएगा टेन 2 ये आ गया। सिमिलरली हम देखते हैं आप भी चलते चलते यहाँ टेन 22 टेन 23 दोनों आ गए, जब ये रख लिए तो ये बच गया था, तो इसकी भी अच्छा इसकी इसे ये भी नीचे रख लिया ये। अब अगर हमें सबकी मल्टीप्लाई कर दूँ तो सारा ये फंक्शन रखा, सारा ये फंक्शन रखा, लेकिन वन हम भी नो वन प्लस टेन वन टेन 45 की वैल्यू, हर एक की वैल्यू कितनी है इसकी निकाल कितनी है इसकी टू, तो इसकी वैल्यू टू आ गई, इसकी भी टू, इसकी भी टू, इसकी भी टू, यहाँ तक के ये सारे फंक्शन हो गए, ये कितने हो गए 22 यानी 2 की पावर 22। अब मल्टीप्लाई वन प्लस टेन 45 वन प्लस वन इसकी वैल्यू कितनी है टू, टू और है तो टू की पावर वन तो क्या है 2 की पावर 23 है, दिस क्वेश्चन वैल्यू विल बी द 2 की पावर 23। इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 की पावर 23 होगी। अब सवाल क्या है, इसकी रेंज निकालनी है, रेंज ऑफ एफ थीटा इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसकी रेंज निकालनी है एफ थीटा इक्वल टू ए कोस थीटा। अब मान लिया ए इक्वल टू आर साइन अल्फा है, ए इक्वल टू इसकी रेंज निकालनी है एफ कोस थीटा इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, लेट ए इक्वल टू आर साइन अल्फा बी इक्वल टू आर कोस अल्फा, ए इक्वल टू आर कोस अल्फा बी इक्वल टू आर साइन अल्फा। अब इन दोनों में से क्या आ जाएगा, इन दोनों को स्क्वायर करके एडिंग करके क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस
d square is equal to r square sin square alpha cos alpha, r square cos square alpha, r square cos square alpha. इन दोनों क्या आ गया है, a square plus b square is equal to r square, दोनों से कॉमन, sin square alpha प्लस cos square alpha. तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई वन इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और आर इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस के बी. अब है ए इक्वल टू आर साइन अल्फा अपॉन बी, बी अब इनको दोनों को डिवाइड कर लूँगा, दोनों क्या कर लूँगा डिवाइड, तो क्या आएगा ए अपॉन बी इक्वल टू आर साइन एल्फा अपॉन आर कॉस एल्फा, इस आर से आर ये तो ए अपॉन बी इक्वल टू टेन एल्फा, ये एल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए, या टेन एल्फा इक्वल टू ए अपॉन बी, या एल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स ए अपॉन बी, ये यहाँ तक बात है ठीक. अब आगे क्या कह रहा है, वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे, इसकी निकालनी है एफ थीटा, किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, इसकी वैल्यू निकालनी है एफ थीटा इक्वल टू फेज निकालनी है ए कोस थीटा प्लस बी साइन. अब ए और बी की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, क्या रहेगी आर साइन अल्फा, आर साइन अल्फा कोस थीटा प्लस बी की वैल्यू आर कोस अल्फा साइन, इन दोनों से आर कॉमन ले लिया, साइन अल्फा कोस थीटा कोस एल्फा कोस ए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन एल्फा प्लस थीटा आर की वैल्यू आ गई. और आर आर की वैल्यू क्या है, यहाँ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी सी लिख दूंगा, आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट साइन एल्फा प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से भी निकाल लीजिए, टेन टेन साइन थीटा प्लस एल्फा की वैल्यू टेन इनवर्स बी अपॉन ए, यानी कि यहाँ एल्फा की वैल्यू कितनी निकाल ली मैंने, टेन इनवर्स बी अपॉन ए, थीटा जो कर दूँ ये एल्फा थीटा प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन इनवर्स बी अपॉन ए, और जब ये साइन का फंक्शन है इसकी वैल्यू कहाँ तक लाई करेगी, माइनस वन टू वन, इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ तक लाई करेगी, माइनस वन टू नंबर, ये अगर ए स्क्वायर इसकी वैल्यू माइनस वन टू वन करेगी, माइनस वन टू वन करेगी, किसकी करेगी ये, इसकी करेगी साइन, साइन करती है, चाहता है मुझे ये है तो रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से दोनों तरफ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आएगा माइनस वन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए
in new K. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, तो इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज है, तो रेंज यहाँ से यहाँ तक है, एंस रेंज विल भी क्या होगी, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, क्या आएगी, माइनस एंस रेंज ही माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेंज आ जाएगी। इसकी क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी। देखो भाई क्या है, इस कोई फंक्शन है, इसकी ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा है, कैसा फंक्शन है, ये गिवन है ए इक्वल टू आर कोस साइन अल्फा बी इक्वल टू आर कोस अल्फा। इसकी जो है मुझे जो है रेंज निकालनी है, रेंज निकालनी है तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर, स्क्वायरिंग एंड ऐड क्या कर दिया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, क्या लिख लिया, स्क्वायरिंग एंड एड एड, इन दोनों को स्क्वायर भी कर दिया और एड कर दिया, इन दोनों से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर प्लस एस आई स्क्वायर अल्फा एक आ गया, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आर बराबर प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर। अब इसको इससे डिवाइड कर दिया तो साइन अल्फा कौन कोस अल्फा टेन अल्फा अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए आ गया, टेन इनवर्स बी अपॉन ए आ गया, ठीक है भैया। अब क्या आ गया इसमें, टेन इनवर्स बी अपॉन ए आ गया ये, अच्छा अब फंक्शन था ये ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, अब इसमें ए बी की फिर वैल्यू रख दी है, ए आर साइन अल्फा बी कोस अल्फा, ये इन दोनों में से आर कॉमन ले लिया, ये बच गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी की वैल्यू। ये जो अल्फा की वैल्यू है, जो ये क्या है अल्फा की वैल्यू मैंने यहाँ ये पुट कर दी, तो क्या गया साइन थीटा प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ये जो फंक्शन है साइन थीटा टेन इनवर्स बी की वैल्यू, साइन के फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर दिया है, माइनस वन टू वन, चाहता मुझे ये भी है, इसमें दोनों का दोनों ने क्या कर दिया रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इनिक्यूलेटर को चेंज ही पड़ना, तो ये आ गया, तो इसकी जो रेंज होगी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होगी रेंज इसकी, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी फंक्शन की रेंज आ जाएगी। आई बात समझ में, आगे बढ़े भाई, जैसे एक एक फंक्शन है जैसे फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, किसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है फॉर साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री कोस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू, क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है फोर साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू, इस फंक्शन में इसकी वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है।
लेट, इसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू मान ले लेट के, इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, की है, इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है के, किस फंक्शन की, इसकी 4 sin² x + 3 cos² x + sin x/2 + देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आप पढ़ो ना पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री अगर आप छोड़, अब सोचते हैं कि चलो भाई IIT में नहीं करते हम ये टॉपिक भी छोड़ देते हैं, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है, फॉर्मूले हैं, वो बीच बीच में हर किसी टॉपिक के बीच में जाते हैं, इसलिए फॉर्मूले को तो रटना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलता, ठीक है। इसलिए जितने भी इसके फॉर्मूले हैं, जितने भी इसके फंक्शन हैं, वो जो है याद कर लेना, ठीक है, अच्छी तरह याद होनी चाहिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें इसमें क्या कर दिया, 4 sin² x + sin² x + 3 cos² x + sin x/2 + cos x/2। इन दोनों में क्या कर लिया मैंने, 3 कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, कि क्या आ गया ये 3 sin² x + cos² x। इनकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, 3 × 1 = 3, तो क्या आ गया 3 + sin² x + sin x/2 + cos x/2। अब इसको क्या कर देता हूँ मैं, इसको यह sin x/2, देखो यह है sin x/2 + cos x/2। इसमें क्या करता हूँ, 1/√2 से तो मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से डिवाइड, इसमें 1/√2 से √2/√2 आएगा ना, यहाँ ये 1/√2 तो यहाँ आ गया, ये आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/√2 की, sin π/4 sin x/2 + cos π/4 cos x/2। ये क्या आ गया, sin a + b sin a sin b + cos a cos b, ये क्या आएगा cos a - b, क्या आएगा cos a - b, क्या आएगा ये cos a - b। ये तो बना दिया मैंने sin का फॉर्मूला, अगर मुझे कोस का फार्मूला, कोस एम, अगर मुझे कोस का फार्मूला बनाना होता है, यहाँ बना लेता मैं, क्योंकि sin π/4 की भी वैल्यू वही है और cos π/4 की भी वही है। अब मुझे बनाना है साइन का, तो sin a cos b + cos a sin b, क्या आएगा ये sin a + b, क्या आएगा ये sin a + b। ये √2 चला गया यार, इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, इसकी वैल्यू 3 + sin² x की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 sin x + π/4 आ गई। इसकी मल्टी वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, यहाँ की वैल्यू निकालनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब इसकी मैक्सिमम निकालनी है 4 मैक्सिमम वैल्यू के,
यानी कि k मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम वैल्यू k, यानी k मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k, k की मैक्सिमम वैल्यू, k की मैक्सिमम वैल्यू, k की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, इसमें x इक्वल टू पाई बाई टू रख दूं, क्या रख दूं, x इक्वल टू पाई बाई टू, क्या रख दूं, x इक्वल टू पाई बाई टू, क्या आ जाएगी ये 3 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई टू प्लस रूट टू साइन पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर, ठीक है। तो क्या आ गया 3 प्लस साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर, क्या रहेगा 1 का स्क्वायर प्लस रूट टू, ये पाई बाई टू, देखो साइन 90 पाई बाई टू प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या क्या इक्वल होता है कॉस थीटा, क्या आ गया कॉस पाई बाई फोर, 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट टू कॉस पाई बाई फाइव की वैल्यू 1 अपॉन रूट टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 साइन स्क्वायर एक्स जुगत हूँ 3 शून्य लिख लिया साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू, रूट टू से रूट टू से डिवाइड कर दिया, रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया ये साइन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस वाई बाई फोर का फॉर्मूला बन गया, ये साइन एक्स प्लस वाई बाई फोर का फॉर्मूला, तो क्या आ गया 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स रूट टू साइन एक्स प्लस वाई बाई फोर आ गया, आ गया। अच्छा अब इसके मैक्सिमम के लिए इसकी मैक्सिमम कब वैल्यू होगी, कब होगी वैल्यू मैक्सिमम, इसकी वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, जब इसकी वैल्यू क्या होगी साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी पाई बाई टू, एक्स की वैल्यू पाई बाई टू रख ली, तो क्या आ गया 3 प्लस 1 प्लस रूट टू क्या आ गया 5, क्या आ गया ये 5 आ गया, क्या आ गया सारा 5, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू इज। अगली बात सुनो, आइए आगे बैठे,
देखो क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, ये क्या है साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या रहेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन कॉस ए साइन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला क्या आता है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए आ गया। अब अगर इन्हें दोनों को ऐड कर लिया जाए, अगर इन्हें दोनों को क्या कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस, मान लिया ए है ये फर्स्ट है, बाई एडिंग बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या आएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या जाएगा टू कोस ए कोस बी, क्या जाएगा यो टू कोस ए देखो भाई टू साइन ए कोस बी क्या है, अगर इन्होंने ऐड कर दिया तो ये आ गया, अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया ये क्या आ गया ये आ गया। सिमिलरली कॉस ए माइनस बी क्या तय फार्मूला, इसे ही भी लिख सकता हूँ टू साइन ए, जैसे इस तरह लिख सकता हूँ, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, मान लीजिए ए है ये बी है, फिर इसको एडिंग बाई एडिंग क्या करा ये एडिंग क्या करें तो बाई ए एंड बी, जब इन्हें दोनों को ऐड करूँगा तो ये कट जाएगा, क्या आएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू ये क्या आएगा टू कॉस नहीं इधर कर दिया जुगा को रखा नहीं थी टू कॉस ए कॉस बी टू कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इसी तरह जब इसको माइनस में करता हूँ तो क्या आ जाएगा कॉस ए कॉस बी टू साइन ए साइन बी टू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस, बस ये ध्यान रखना है टू साइन ए साइन बी भी जब आएगा ये ए माइनस बी पहले आता है माइनस कॉस ए प्लस बी, इस तरह ये है इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्म रहता है। फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सम ऑफ डिफरेंस, सम ऑफ फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सम ऑफ डिफरेंस, इन्हें याद कर लेना भाई, लिख भी लेना, पढ़े भी होंगे तुमने,
टेंथ में बहुत इजी है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। ये दो फंक्शन है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। इन्हें दोनों को क्या कर लिया मैंने, ऐड कर लिया। दोनों क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो यहाँ क्या क्या, टू ए इज इक्वल टू सी प्लस डी, ए इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू। यह जगह यहाँ पे। अच्छा, अब इन्हें दोनों को मान लीजिए ए है ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। अब इन्हें दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो सब्ट्रैक्ट कर ले क्या आ गया, सिमिलरली b इज इक्वल टू क्या जाएगा, ये 2b इज इक्वल टू c माइनस डी, b इज इक्वल टू c माइनस डी बाई टू, b इज इक्वल टू c माइनस डी बाई टू। अब देखो, अब फॉर्मूला था भी मेरे पास आ गया था, ये 2 साइन a कॉस बी इज इक्वल टू, कहेंगे फॉर्मूला था ये साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इधर साइन टू साइन ए कॉस बी, कहेंगे रबर फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अच्छा, ए प्लस बी की वैल्यू क्या रख दूंगा यहाँ पे, सी साइन सी, ए माइनस बी की वैल्यू क्या रख दूंगा साइन डी, और ये ए प्लस ए की वैल्यू क्या रख दूंगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू। ये इससे पैदा हो गया, जनरेट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, मीन साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू, इसी पुट कर देंगे वैल्यू में। और फिर एक और क्या आ जाएगा इससे, इससे क्या आएगा, टू कॉस ए साइन बी था फॉर्मूले, क्या था टू कॉस ए साइन बी, क्या था फॉर्मूला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यानी साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू, पुट करके वैल्यू ए की वैल्यू क्या, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, cos c plus d by 2 sin c minus d by 2, ये इस तरह आ गया। सिमिलरली cos c plus 2 cos c प्लस cos d, जब cos c प्लस cos d रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा सिमिलरली 2 cos c प्लस d बाई टू, टू cos c प्लस d बाई टू cos c माइनस d बाई टू, ये कहेगा 2 cos c प्लस d बाई टू cos c माइनस d बाई टू। ठीक है, इसी तरह cos d माइनस c तेरा ये आएगा cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई टू, टू साइन, टू साइन c प्लस d बाई टू साइन c माइनस d बाई टू, टू साइन c प्लस d बाई टू साइन c माइनस d बाई टू। अगर cos c माइनस cos d करना है
कोस सी माइनस कोस डी करना है तो इधर भी जो है ये माइनस इधर से आ जाएगा, ये भी माइनस इधर से कॉमन ले लूंगा मैं, तो क्या आएगा माइनस दोनों तो माइनस कॉमन ले लूँ ये आ जाएगा, तो माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी ये आ गया। देखो भाई अब फॉर्मूले क्या बने, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या आ गया साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी, इसमें ट्रांसफॉर्म होगा भाई, इसमें ट्रांसफॉर्म करके ये कर लिया जाएगा, तो यानी कोस सी प्लस कोस डी इक्वल टू टू कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, इस तरह कोस सी माइनस कोस डी कोस सी माइनस कोस डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। इसी तरह अगर डी माइनस सी से करना हो तो दोनों तरफ माइनस इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, इधर आगे क्या जाएगा यह आ जाएगा कोस डी माइनस सी का टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, और कोस सी माइनस कोस डी से माइनस करके टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक सवाल है साइन ए कोस ए प्लस कोस बी कोस ए प्लस कोस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी की पावर एन प्लस साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कोस ए माइनस कोस बी की पावर एन कोस ए प्लस कोस बी की पावर एन प्लस साइन ए साइन बी की पावर एन इज इक्वल टू इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या वैल्यू होगी इसकी, क्या होगी इसकी, क्या वैल्यू होगी और वैल्यू भी किसकी निकालनी है, यह प्रूव करना है इसके बराबर टू कॉट की पावर एन ए माइनस बी, अगर वैल्यू दिए रखी होगी ये आएगा और ज़ीरो और ज़ीरो, क्या इसकी वैल्यू टू कॉट की पावर एन ए माइनस बी बाई टू टू कोट एन माइनस ए की पावर बी बाई टू, और इट डिपेंड्स ऑन एन, प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू ये होगी और इट डिपेंड ऑन एन, इट डिपेंड ऑन एन 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 डिपेंड ऑन इन एन इज इवन और ऑड, इवन और एवन हो और देखो ये एक फंक्शन है, ये कोस ए प्लस कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये एक फंक्शन है, ये कोस ए माइनस बी कोस साइन ए प्लस बी टू कोस की पावर ये प्रूव करना है, जो ये वैल्यू आई है ये डिपेंड करती है कि एन पे, एन इवन है और ओड है, एन के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करती है, किस तरह डिपेंड करती है देखो भाई फॉर्मूला गिवन है कोस ए प्लस कोस बी की पावर अपॉन
साइन ए प्लस साइन बी की पावर एन प्लस साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कोस ए माइनस कोस बी की पावर एन। ये क्या आ जाएगा? ये कोस सी प्लस कोस डी क्या आएगा? टू कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू क्या आएगा? टू कोस ए प्लस बी बाई टू कोस ए माइनस बी बाई टू। ये क्या आएगा? साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू टू कोस सी प्लस डी साइन सी प्लस साइन डी साइन ए माइनस बी आएगा। टू कोस ए प्लस बी बाई टू ये आएगा साइन ए माइनस बी बाई टू की पावर अगर साइन सी प्लस साइन डी साइन सी प्लस साइन डी क्या जाएगा? टू साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस कोस डी कोस सी माइनस कोस डी क्या जाएगा? कोस सी माइनस कोस डी टू साइन ए प्लस बी बाई टू टू साइन ए प्लस बी बाई टू ये अगर माइनस को मिलेगी उधर से कह रहे हैं साइन बी माइनस ए बाई टू की पावर। यहाँ तो बात समझ आ गई। अब देखो इसकी पावर अब टू कोस ए प्लस बी से कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी ये क्या आ गया? टेन ए माइनस बी बाई टू क्या आ गया? ये टेन ए माइनस बी बाई टू की पावर एन प्लस ये क्या जाएगा? इससे तो ये जाएगा ये साइन माइनस है इन दोनों के लिए लेने के लिए माइनस को रूप करूंगा तो माइनस माना जाएगा क्या आएगा? ये कॉस ए माइनस बी बटे माइनस साइन ए माइनस बी बाई टू की पावर एन ये आएगा। ये आएगा टेन ए माइनस बी की पावर टू की पावर एन ये माइनस प्लस माइनस वन की पावर एन ऊपर लिख लेंगे इसे ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा? ये कोट ये कोट आएगा भैया कोट 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 ए माइनस बी की पावर टू की पावर एन या और कोट की पावर एन ए माइनस बी दोनों से कॉमन ले लूँगा यहाँ क्या हो जाएगा? वन की पावर एन प्लस माइनस वन की पावर एन वन की पावर एन माइनस वन की पावर एन माइनस वन अगर एन क्या है? इफ एन इफ कोट अगर n और है तो माइनस वन की पावर n कितना जाएगा? माइनस वन की पावर n कितना जाएगा? माइनस वन की पावर n के आगे क्यों जाएगा? माइनस वन के माइनस वन की पावर n के आ जाएगा माइनस वन तो वन प्लस माइनस वन कितना आएगा? जीरो तो कोट n की पावर n माइनस बी इक्वल टू जीरो इफ n इज और n इज इवन इफ n इज इवन है तो क्या आ जाएगा? इवन है तो क्या आ जाएगा? ये वन की पावर वन का
इवन है वन, वन की पावर माइनस वन की पावर इवन है वन, वन प्लस वन टू, और टू क्या है टू फोर एन की पावर ए माइनस बी बाई टू। देखो ये सवाल क्या है, सवाल है ये था कोस ए प्लस कोस बी, ये था इसकी वैल्यू, ये प्रूव करनी है। इट डिपेंड, यानी इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, एन पे डिपेंड करती है। इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे डिपेंड करती है, इस तरह के एन पे डिपेंड करती है, वेयर एन इज इवन और एंड ऑल। ये कोस ए प्लस कोस बी ए लिख दिया थी टू, फिर इसमें कोस सी प्लस कोस डी, नीचे साइन सी माइनस साइन डी, इसमें साइन सी प्लस साइन डी, इसमें कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्म लगा दिया, ये कैंसिलेशन हो गया टू से ये। तो ये क्या गया कोट ए माइनस बी, ये है कोस ए माइनस बी साइन बी माइनस ए, ये था ना साइन बी माइनस ए, क्या था ये साइन बी माइनस ए, साइन बी माइनस ए अपॉन टू, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लूंगा, क्या जाएगा साइन माइनस ए माइनस बी अपॉन टू, साइन माइनस थीटा क्या के बोलते हैं माइनस साइन थीटा, माइनस साइन ए माइनस बी बाई टू। अब ये माइनस आ गया, ये माइनस क्या आ गया, अब ये इनकी ए माइनस बाई बी, इसको ऐसा चेंज करने के लिए इसे माइनस बाहर आ जाएगा, ये चाहे माइनस यहाँ लगा दो यहाँ लगा दो एक ही बात है। तो क्या आ गया माइनस वन की पावर एन कोट एन माइनस थीटा, कोट की पावर एन ए माइनस बी बटा ए बी बाई टू कॉमन ले लिया, क्या वन की पावर एन प्लस वन की पावर माइनस वन। अब एन ये ओड है, तो एन की ओड है माइनस वन की पावर एन क्या की कुल हो जाएगा, तो माइनस वन की पावर एन क्या की कुल होता है माइनस वन के, अगर इवन है तो वन की पावर एन क्या की कुल होता है वन के, तो ये माइनस वन रख के ये जीरो आ जाएगा, अरे वन वन रख के क्या जाएगा टू, तो टू कोट की पावर एन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू एन पर डिपेंड करते हैं, दैट इट मीन एन इज इवन और ओड आज के लिए। ठीक है, आज के लिए नहीं, थैंक्स ऑफ ऑल, बेस्ट ऑफ लक।